इस जिंदगी में कई बार समस्याओं के चलते आपका आपके गोल के साथ कनेक्शन टूट जाता है, जैसा चंद्रयान 2 का कनेक्शन टूट गया था। तब हार मत मानिए, बल्कि खुद को रिफ्रेश करें और अपने गोल के साथ खुद का दोबारा रिकनेक्ट करें। आप देखेंगे कि जिंदगी की पिक्चर एक बार फिर से क्लियर और स्मूथ चलने लगेगी। फिर आपके विजेता बनने की 100% संभावना हमेशा बनी रहेगी। कोई व्यक्ति जीवन में असफल क्यों होता है, सोचिए, पूछिए, कुछ रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। कोई कहेगा कि सफलता के रास्ते में आने वाली समस्याओं के कारण असफलता हाथ रखती है, तो कोई कहेगा कि परिस्थितियों से आप असफल हो गए, तो कोई किसी अन्य कारण की बात करेगा। दुनिया की किसी भी ताकत में इतना दम नहीं है कि वो आपको हरा सके। आप तभी हारेंगे जब आप हार खुद मान लेंगे। जब आप हार मानेंगे ही नहीं, तब तक आपका मैदान में डटे रहना बहुत कुछ दिखाएगा और यही आपकी सफलता की बुनियाद लिखेगा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। आप सभी का ग्रहों का खेल कार्यक्रम 25 अप्रैल शनिवार आज का राशिफल प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्वागत के साथ ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं उन सभी प्रियजनों को जिनका जन्मदिन स्पेशल डे और आज शिवाजी की जयंती है। इस वक्त आपको मैं स्क्रीन पर आज की कुंडली दिखाना चाहता हूं। आज देखिए ग्रहों से बने वाले बुधादित्य योग और उभयचर योग के साथ परिजात योग के साथ मिलेगा। आप देखिए कि सूर्य उच्च राशि के, चंद्रमा भी आज उच्च राशि के, मिथुन राशि में उच्च के राहु, उच्च के केतु, यह आपकी कुंडली के अंदर आज समझ लीजिए कि 4 ग्रह उच्च राशि के और शुक्र चंद्रमा की युति और गुरु मंगल बुध का चंद्रमा से नवम पंचम राजयोग बहुत कुछ वरदान साबित करा सकता है। मेष, कर्क, तुला और मकर अगर आपकी राशि तो शश योग रोचक योग का लाभ मिलेगा। अगर आपकी राशि वृषभ सिंह माफ करेगा वृश्चिक और कुंभ है तो मालव योग के साथ मिलेगा। वही अंगारक दोष बना रहेगा। चंद्रमा उच्च के वृषभ राशि में रहकर हम सबको ताकत प्रदान करेंगे। आज पॉजिटिविटी सभी राशियों में रहेगी। आज अगर आप किसी शुभ कार्य के शुभ समय की तलाश में, उसे नोट करिए, दोपहर 12:15 से 1:30 तक और 2:30 से 3:30 भी शुभ मुहूर्त मिलेगा। लेकिन सुबह आप ध्यान रखिए कि 9 से लेकर 10:30 तक जब राहु काल रहता है तो शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। आज जब आप 6 राशि देख लेंगे तो आपको मैं एक विशेष आकर्षण की बात करूंगा कि केले के पत्ते में बनी लकीर का रहस्य क्या है। कार्यक्रम के अंत में बात करेंगे सेहत को कैसे रखें परफेक्ट, इसका एक विशेष उपाय बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले राशिफल। मेष राशि, मोटी रकम कमाने की सोच आज आपको तरक्की दे सकती है। इसमें शुभकामनाएं मेरी तरफ से है और शुभ समाचार आपको दे रहे हैं चंद्रमा। आपके आराम और भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। खुशखबरी से जुड़ा एक काम आपको खुश कर देगा। आप कमजोर और बीमार बिल्कुल मत महसूस करेगा, बल्कि आपकी जॉब, प्रोफेशन, व्यवसायिक भागीदारी के साथ आपके संबंधों में आपको सुधार लाने की कोशिश करनी। मन में जो तनाव था वो आज कम रहेगा, उसे और खत्म करने के लिए, कम करने के लिए पूरी कोशिश आपको करनी चाहिए। सामाजिक सार्वजनिक क्षेत्र में लोकप्रियता शुभ कार्यों से आप हासिल करेंगे। बच्चों और परिवार दाम्पत्य जीवन में बहुत खुशी का माहौल रहेगा। लकी कलर मैरून नंबर 6 शुभ रहेगा। बात करते हैं वृषभ राशि। जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, कम्युनिकेशन कंसल्टेंसी ऐसा कोई काम कर रहे हैं, उनके कार्यभार की अधिकता के कारण उनकी वर्किंग स्किल निखरे के बाहर आएगी। आमतौर पर हमें तो छुट्टियां मिलती थी सैटरडे संडे, लेकिन अब तो दिन भर ही घर में है, 24 घंटे घर में है, 7 दिन घर में है, तो क्या वीकेंड और क्या वीकडेज। पर आज आपके काम में भार अधिक होगा। अत्यधिक खर्चे के कारण आप थोड़े भ्रमित और पीड़ित होने वाले हैं। आप अपने व्यावसायिक सहयोगियों के साथ अपने दाम्पत्य जीवन वैवाहिक जीवन में सामंजस्य रख पाएंगे। नियमित बातचीत के दौरान शांति पूर्ण रूप से बनाए रखें, कोई भी जुबान से गलत शब्द आपके दिन को खराब कर देगा। फाइनेंशियली मोर्चे में लाभ के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही है, यानी जो एटमॉस्फेयर है वो मनी अर्न करने के लिए बन रहा है। आपको जरूर आगे बढ़ना चाहिए, रिसर्च वर्क करें, कमर कस के तैयार करें, ज्यादा से ज्यादा दिन भर में काम करने की कोशिश करें। अपनी पुरानी समस्याओं से आज आपको राहत मिलेगी। इसमें पत्नी, पति, बच्चे
बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपकी बहुत मदद करेगा। लकी कलर व्हाइट नंबर 9 शुभ रहे। बात करते हैं मिथुन राशि की। जो लोग सैलरीड लोग हैं उनको एक उत्कृष्ट दिन आज मिलने वाला है। ऑनलाइन आपकी नई जिम्मेदारियां आपको मिलने वाली है। जो लोग ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर कम्युनिकेशन का काम कर रहे हैं, आईटी प्रोफेशनल्स लोग हैं, उन लोगों को बहुत बड़ा काम मिल सकता है या काम में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। सेहत का पूर्ण रूप से ख्याल रखें, छोटी सी गलती आपके पूरे दिन को खराब कर सकती है। आपको अपने व्यावसायिक भागीदारी के कारण लाभ मिलेगा। आप धार्मिक कार्यों में रुचि जरूर लेंगे, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, दान पुण्य, हो सकता है टेलीफोन पर आप किसी की मदद करने की बात कर रहे हो, वहीं से पॉजिटिव भाव निकल जाए और लाभ मिल जाए, यह आपके लिए एक अच्छा संकेत है। यदि आप अपनी नकारात्मक सोच, क्रोध, आवेश, गलत जुबान, इसको आप साइड पर रख देते, इस पर अगर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो आज का दिन आप समझो बना दिया। बाकी के सकारात्मक स्ट्रोक से आपके आगे बढ़ने के जरूर आसार बनेंगे। आज आपको किसी सोशल मीडिया के द्वारा, बच्चों के द्वारा कोई अच्छा नुस्खा मिल सकता है पैसा कमाने का, आगे बढ़ने का, तरक्की का, काम में बाधा को दूर करने का। लकी कलर रेड नंबर 3 शुभ रहेगा। बात करते हैं कर्क राशि। धन लाभ अर्जित करेंगे और कुछ अच्छी खबरें आपको प्राप्त होगी। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है। कोई आपको कितनी भी बात कहते आप जब तक देख ना ले, सुन ना ले, अपनी कान से और अपनी आंखों से पूरा उसे तोल ना ले, तब तक विश्वास नहीं करें। जो लोग जॉब कर रहे हैं वर्क प्लेस पर उपलब्धि हासिल करेंगे, यानी जो घर पर बैठे काम कर रहे हैं, जो बाहर भी बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं, और अन्य जिम्मेदारियां और चुनौतियां आज आपको मिलने वाली है और उन्हें आप बखूबी निभा भी पाएंगे। आपके स्वास्थ्य के सितारे आज समस्याओं का हल्का सा संकेत है, आप बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आपका कोई जॉब ऐसी है जिसमें आपको घूमना फिरना पड़ता है तो लू आपको पकड़ सकती है, इसलिए आप पूरा ख्याल रखें। इस तरफ आप अपने जीवन साथी, लव लाइफ, लव मेट, दाम्पत्य जीवन में हल्का सा संघर्ष करेंगे, इसलिए आप एक काम जरूर करें कि आज मौन रहें, कूल रहें और सिर्फ अपने काम से मतलब रखें, लाभ मिलेगा। आर्टिस्ट और स्टूडेंट के लिए नया सीखना, पुराने सीखे के रिविजन करने के लिए परफेक्ट टाइम है। लकी कलर ब्लू नंबर 1 शुभ रहेगा। बात करते हैं सिंह राशि। मानसिक तनाव होगा नहीं, पर आप ऐसी खबरें, ऐसे लोगों से मिलना, बातचीत करना, कहीं के खोजने का काम करें जो आपको नुकसान दे सकता है, इससे आपको बचना चाहिए। वर्क फ्रॉम होम और जो लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं, कम्युनिकेशन कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें ना कुछ खरीदना है ना कुछ बेचना है, सिर्फ सर्विसेज देनी है, उनके हालात आज सामान्य नहीं रहेंगे। आपका पारिवारिक अनुभव भी आज दुखद हो सकता है। हो सकता है आपकी वजह से परिवार में कोई माहौल ऐसा बन जाए जो नेगेटिविटी का हो, तो आप ऐसी कोई बात ही नहीं करें। ऐसी बात कहीं से शुरू होती तो उसे भी खत्म करने की कोशिश की आपकी जिम्मेदारी बनती है। छोटी छोटी बीमारियां भी कई बार बड़ा रूप ले लेती है, इसलिए किसी भी बीमारी को हल्के में न लें। धन लाभ किसी भी प्रकार से हो सकता है, पुराना पैसा कहीं से आ सकता है या आपके जो खर्चे आए हुए हैं वो पैसे की वजह से रुके नहीं, काम पूरा हो जाए। स्टूडेंट के लिए शानदार परिणाम प्राप्त करने का दिन है। सैटरडे को मौज मस्ती में नहीं निकालना, एकांत में बैठ जाएं, भले कहीं पर बैल्कनी में जाके बैठ जाएं, लेकिन बैठें और अपनी पढ़ाई पूरी करें, आज पढ़ाई शानदार होगी। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने बोलने के तरीके पर कड़ी निगरानी खुद रखें और हो सके तो अच्छा बोलें, पीठ पीछे लोगों की तारीफ जरूर करें, दिन बहुत शानदार गुजरेगा। लकी कलर मैरून नंबर 7 शुभ रहेगा। बात करते हैं कन्या राशि। आज भाई बहनों के कारण ठोस लाभ मिल सकता है। मान लीजिए कोई पारिवारिक विवाद है, उसे आप लोग बैठकर निभा पाएंगे, उसे ढंग से ठीक कर पाएंगे, लाभ मिलेगा। या आपके स्वास्थ्य की चिंताओं और प्रेम संबंधों के लिए एक अच्छा दिन होगा। अपने बॉस के साथ संवेदनशील मामलों पर बहस नहीं करें। आप जॉब करते हैं, आपके ऑफिसर है, मंत्री है, बॉस है, कोई भी है, किसी बात को लेकर आपको इतना काम क्यों मिल रहा है, इस पर बहस नहीं करें। बस अपना काम ढंग से करते चले जाएं, क्योंकि आज की तारीख में जॉब बचाना बहुत मुश्किल काम हो गया है। बहुत सारे लोगों की जॉब छूट रही है और आने वाले टाइम में स्पेशली राहु चेंज होने के बाद बहुत सारे लोगों की जॉब जाने वाली है। आपकी वित्तीय प्रोफाइल ठीक रहे इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ठीक नहीं रहेगी। स्टूडेंट के लिए दिन बहुत सकारात्मक परिणाम लेकर आ रहा है और आर्टिस्ट की छवि आज शानदार बनने वाली है। आप कोई भी क्रिएटिव नेचर के इंसान है तो लाभ मिलेगा। कोई भी एक हॉबी को आज पूरा करें, फिर देखें दिन कैसे शानदार गुजरता है। भाग्य के एक सकारात्मक स्ट्रोक के कारण
आपके काफी काम बनते जो बिगड़े थे वो बनते चले जाएंगे। स्टूडेंट को सलाह दी जाती है कि मैक्सिमम अपना काम पूरा करना। लकी कलर पर्पल नंबर 5 शुभ रहेगा। प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि 6 राशि के बाद मैं विशेष आकर्षण की बात करूं, केले के पत्ते का जिक्र किया था, तो केले के पत्ते आप सभी ने देखे जरूर होंगे। ये बड़े आकार के होते हैं और इनके बीच में एक धारी होती है जो एक ही पत्ते की दो बनाती है, एक पत्ते को दो बनाती है। पुराने जमाने में केले के पत्ते थाली का काम करते थे और दक्षिण भारत में आज भी केले के पत्ते पर कई लोग भोजन करते हैं। लेकिन केले के पत्ते एक होते हुए भी दो भाग में बटे होते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त और भगवान एक का संदेश देते हैं। श्री राम जब लंका विजय के बाद अयोध्या आए तो भोज हुआ। हनुमान जी ने सभी बंदरों को पंगत में बिठा दिया और खुद खड़े रहे। उनका विचार था श्री राम अरोगे फिर वे प्रसाद लेंगे, लेकिन राम ने कहा आओ हनुमान भोजन करो। तो हनुमान ने कहा आप कर लें, अभी और स्थान नहीं है। तो श्री राम ने अपने निकट एक आसन लगा दिया। अब हनुमान मुसीबत में फंस गए, भक्त भगवान के साथ कैसे भोजन करें। श्री राम ने भक्त की यह दुविधा देखी तो अपनी अंगुली से केले के पत्ते में लकीर बना दी। लकीर के एक और श्री राम दूसरी और हनुमान ने भोजन किया, तब से केले के पत्ते के बीच में लकीर बन गई। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। विश्वास करें तो सब कुछ है, नहीं करें तो कुछ भी नहीं। शुरुआत करते आगे के राशिफल की तुला राशि से। आत्मविश्वास और आत्मसंतुष्टि यह दोनों आज आपको मिलने वाले हैं। आप आज कोई बड़ा काम, स्पेशल काम और कठिन काम भी आसान कर सकते हैं इन दो टूल की वजह से। समाज में लाभ और प्रतिष्ठा अर्जित करने की संभावना पूरी है। आपकी किस्मत आपके साथ है, अनुकूल रहेगी। आपका स्वास्थ्य शानदार, इसके बड़े मेहनत वाले काम कर सकते हैं। चुस्ती और तंदुरुस्ती से आप कई लोगों की मदद कर लेंगे। कार्य के मोर्चे पर अनुकूल परिस्थितियां बना लेंगे। जो हमने घर में ऑफिस बना रखा है, चाहे एक छोटी सी टेबल पर ही क्यों ना बना रखा, उसमें लाभ पूरा मिलेगा। आपके सहकर्मी पर्याप्त सहयोग करेंगे। आपको अचानक लाभ हो सकता है। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर आपका साथ देंगे और आज सोशल मीडिया से, टेक्नोलॉजी से बड़ी कोई मुसीबत हल हो सकती है, लाभ मिलेगा। इसमें आपके बच्चे, परिवारजन मदद करेंगे। बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना न भूलें। शुरुआत में सुबह से काम बन जाएंगे। लकी कलर ग्रे नंबर 4 शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि, नौकरी से जुड़ी हुई कोई खबर खुश करने वाली है। बहुत सारे लोगों को आज ये अननोन फियर है कि कहीं उनकी नौकरी छूट जाएगी, बिजनेस बंद हो जाएगा, आने वाले टाइम बहुत सारी मुसीबत आने वाली। हाँ, ऐसा जरूर है, लेकिन जो ऐसा सोच लेंगे उनके तो पक्का आ सकती है। लेकिन जो ऐसा नहीं सोचेंगे वो ये सोचेंगे कि नौकरी लोगों की छूटेगी, कंपनी थोड़ी बंद होगी, कुछ लोग तो काम करेंगे पर मैं उसमें काम करूंगा। ये सोच आपको लेगा लाभ देगा। वर्क फ्रॉम होम के कल्चर, कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडिंग और टेक्नोलॉजी के काम करने वाले लोगों के पदोन्नति का चांस बन रहे हैं। यहां पर आज बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जिनकी सैलरी बढ़ गई है, प्रमोशन हो गया। आपके काम को भी सराहा जाएगा। और याद रखिएगा, कठिन समय में जब बच्चे अपने माँ बाप की और जो काम करने वाले लोग हैं अपने बॉस की मदद करते हैं वो हमेशा याद रहते हैं। आप अपने सभी कर्तव्यों को बहुत अच्छे से निभाएंगे। आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के बारे में हल्की सी चिंतन की प्रक्रिया को अपनाएं, क्योंकि अगर आप पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति की सेहत पर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और उस पर कुछ धनराशि भी खर्च हो सकती है। लेकिन धन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, सेहत इंपॉर्टेंट। पारिवारिक जीवन में अच्छे माहौल को बनाने की पूरी कोशिश करें, खटास लाने की कोई कोशिश नहीं करें। लकी कलर गोल्डन नंबर 7 शुभ रहेगा। बात करते हैं धनुराशि। आज किसी को पैसे उधार न दें। सुस्ती के कारण अपना काम पूरा करना मुश्किल होगा। बहस और चर्चा से दूर रहें। स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के कुछ संकेत मिल रहे हैं जो तकलीफ दे सकते हैं। इसमें धार्मिक गतिविधि, मंत्रों की उपासना करना, योग प्राणायाम, ध्यान, चिंतन, एक्सरसाइज करना, ये बहुत लाभ देगा। आपके वरिष्ठ यानी जो सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके ऑफिसर हैं, मंत्री हैं, बॉस हैं, वो आपके काम की सराहना आज नहीं करेंगे बल्कि आपकी गलती पर आपको डांट भी लगाएंगे। आप उनको सहर्ष स्वीकार करके अपनी कमी को दूर करें। नौकरी में आपके प्रयास आज हो सकता है पूर्ण न हो। आपकी लोकप्रियता और प्रसिद्धि से कोई जलन पैदा कर सकता है।
विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में मन लगाना आज आसान नहीं होगा। आर्टिस्ट की आर्ट की कला में भी थोड़ी तकलीफ आ सकती है, इसलिए ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। इसलिए आज का दिन जितना कूल और शांत रहेंगे, आप बिल्कुल जैसे मौन व्रत धारण कर लेते हैं वैसे रहेंगे, तो दिन आपका बन सकता है। लकी कलर ऑरेंज, नंबर 6 शुभ रहेगा। बात करते हैं मकर राशि की। आप अपने जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस में कोई नई चीजों की, नए काम की योजना बना सकते हैं। योजना के लिए दिन आपके लिए बहुत शानदार है। आपकी आय में वृद्धि होगी और प्रसिद्धि और लोक प्रियता में वृद्धि हो सकती है। घर से काम में आप कुछ सुखद अनुभव करेंगे। पिता और ग्रैंड पेरेंट से आप आशीर्वाद लेकर उनसे सलाह मशवरा करके आगे बढ़ सकते हैं, लाभ लेंगे। आप अपनी धार्मिक गतिविधियों में बहुत रुचि लेंगे। अनावश्यक बहस और चर्चाओं से दूर रहना चाहिए। आपका आत्मविश्वास आज हाई लेवल का रहेगा, इसके बड़े और स्पेशल काम कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, इसके रोमांच पूरा रहेगा। बच्चों से, परिवार से आज कुछ सीखने और एक साथ कुछ करने का पूरा मौका मिलेगा। इस मौके से चूकिएगा मत, इसलिए अपनों के साथ रहिए और अपने बनकर रहिए। लकी कलर येलो, नंबर 1 शुभ रहेगा। कुंभ राशि, जो रूटीन काम हमारा चल रहा है उससे महत्वपूर्ण निर्णय आज न लें। अपने पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वर्क प्लेस में हालात सामान्य रहेंगे। अपने काम के प्रगति की तरफ ले जाने के पूरे चांसेस हैं, इसलिए स्पेशल काम कर सकते हैं। इसमें आपका बड़े बुजुर्गों का, परिवार का, स्पेशली भाई बहनों का समर्थन फायदेमंद साबित होगा। प्रॉपर्टी का, स्पेशली जो हमारे इनहेरिटेंस यानी पैतृक संपत्ति होती है, उसके विवाद को हल करने के लिए आज मीटिंग की जा सकती है, बहुत शुभ दिन। कोई गिले शिकवे उसे दूर करना, लीगल कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए दिन बहुत शुभ है। सेहत से जुड़ी हुई समस्याओं से आप हल्के से परेशान हो सकते हैं, इसलिए ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। अनावश्यक खर्चों के कारण आप तनावग्रस्त होने वाले हैं, इसलिए खर्चों पर लगाम लगाइए। लकी कलर स्काई ब्लू, नंबर 8 शुभ रहेगा। बात करते हैं मीन राशि। आपको वर्क फ्रॉम होम के कल्चर, प्रोफेशनल कंसल्टेंसी, आईटी, टेक्नोलॉजी, बैंकिंग सेक्टर, ऐसा कोई काम जिसमें सर्विस ज्यादा देनी है, उसमें कार्यभार ज्यादा होगा, चुनौती और जिम्मेदारियां ज्यादा रहेंगी। हाथ जोड़कर सहर्ष उन्हें स्वीकार करें, लाभ मिलेगा। इसी से आपका काम बेहतर होगा और आपके काम से जुड़ी हुई खबर आपको खुश कर देगी। लोग आपके सलाह मानेंगे, आपके बॉस आपकी तारीफ करेंगे। अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि शरीर में दर्द और अनिद्रा परेशान कर सकती है। फाइनेंशियली लाभ के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, इसलिए कोई बेहतर पैसे से पैसा कमाना या कहीं से पैसा आने वाला है उसकी तरफ ध्यान देना लाभ दे सकता है। स्टूडेंट के लिए पढ़ाई में मन लगाना आज आसान नहीं होगा। आर्टिस्ट को सिर्फ आज रिसर्च करनी चाहिए और बिल्कुल रिलैक्स रहना चाहिए। लकी कलर डार्क ग्रीन, नंबर 5 शुभ रहेगा। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम के अंत में जैसा मैंने जिक्र किया था कि मैं एक विशेष उपाय बताऊंगा। नई ऊर्जा, नई उमंग के लिए हेल्दी रहना बहुत जरूरी। ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि पहला सुख निरोगी का है। शरीर के स्वस्थ होने पर ही प्रथम सुख की अनुभूति होती है। शारीरिक सुख से बड़ा दुनिया में और कोई सुख नहीं है। कई बार पौष्टिक भोजन लेने के बाद भी आपकी सेहत डाउन होती है, शरीर कमजोर और आलस में भरा होता है। आज के उपाय में स्वस्थ शरीर के लिए, शरीर को निरोगी रखने के लिए प्रयोग बता रहा हूं, जिसे आप नोट करना नहीं भूलें। शुक्ल पक्ष के किसी भी रविवार अपने घर के मंदिर में हनुमान सुरक्षा यंत्र को स्थापित करें। 21 गोमती चक्र और 11 हल्दी की गांठ को लाल वस्त्र में रख कर पोटली बना लें, जिसे यंत्र के सम्मुख रख दें। धूप दीप करने के बाद ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मंत्र वापस पढ़ लेता हूं, यह गायत्री मंत्र है, आपको जरूर याद होगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मंत्र की एक माला जाप करें, फिर सफेद मिष्ठान का भोग लगाएं और सुंदरकांड का पाठ करें। पाठ के बाद पोटली रोगी व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उबार कर किसी पेड़ पौधे में डालते हैं और उसके बाद किसी निर्जन स्थान में जमीन पर दबा सकते हैं। यह प्रयोग आपको लगातार 21 रविवार करना है। अंतिम दिन यंत्र को अपने कमरे में, मंदिर में ऐसे स्थान पर रखते हैं जहां पर आमतौर पर ज्यादा नजर न लगती। आप देखिएगा कि ऐसी महामारी, ऐसी तकलीफें स्पिरिचुअल पावर आपके अंदर जनरेट करेगी और इस पावर से जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे रोगों से लड़ती है, उसी प्रकार इस प्रकार के
उपायों से हमारी शक्ति को बल मिलता है। मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है प्रिय साथियों कि आप अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, प्रसन्न भी होंगे और ऐसा ही रहे इस उम्मीद, विश्वास और ईश्वर से प्रार्थना के साथ आप सभी से विदा लेने का वक्त आ चुका है। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।